शासक बने थे 65 वर्ष की आयु में। बहादुर शाह ने जो है मराठे और राजपूतों जो जितने भी थे मराठे और राजपूत उनके साथ जो है मैत्रीपूर्ण यानी कि यारी गारी वाला जो है वो नीति अपनाई और 1863 में उन्हें संभाजी के पुत्र शाहू को जो है मुगल कैद से जो है उन्होंने आजाद भी कर दिया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, जो कि आज की क्लास महत्वपूर्ण हिस्ट्री की क्लास है, जो कि हमारे आधुनिक भारत में आ रहे हैं और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। तो मुगल साम्राज्य का जो पतन है इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे और स्टडी में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है मुगलों का पतन हुआ था। तो सबसे पहले जो है वो बहादुर शाह प्रथम की तरफ चलते हैं हम, और बहादुर शाह प्रथम जो है वो 1707 से लेकर 1712 तक रहे हैं। औरंगजेब जब की मृत्यु हुई थी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम की वीडियोस में पढ़ाया है क्लासेस में, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र थे मुअज्जम मोहम्मद आजम और कामबख्श, इनके बीच में जो है ये लड़ मरे थे किस चीज के लिए, उत्तराधिकार के लिए, अपने अपने सीट के लिए कि भैया मैंने बैठना है गद्दी पे। तो 65 वर्ष की आयु में जो है वो बहादुर शाह प्रथम जो है वो शासक बना था बाप के मरने के बाद, यानी कि किसके मरने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम जो है वो क्या बने थे, शासक बने थे 65 वर्ष की आयु में। बहादुर शाह ने जो है मराठे और राजपूतों जो जितने भी थे मराठे और राजपूत उनके साथ जो है मैत्रीपूर्ण यानी कि यारी गारी वाला जो है वो नीति अपनाई और 1863 में उन्हें संभाजी के पुत्र शाहू को जो है मुगल कैद से जो है उन्होंने आजाद भी कर दिया था। बहादुर शाह ने जो है औरंगजेब के द्वारा लगाए के जजिया कर की वसूली भी बंद करवा दी गई थी, उनके द्वारा बंद की गई थी। औरंगजेब ने जो है जजिया कर लगाया था मगर इसने बंद किया था। बहादुर शाह को लोग जो है शाहे बेखबर के नाम से भी पुकारा करते थे, यानी कि उसका उपनाम जो है वो शाहे बेखबर रखा था। शाह बहादुर शाह ने जो है बुंदेला सरदार या बुंदेल के सरदार जो है छात्रसाल और जाट सरदार जो है वो है चूड़ामन से जो है मेल मिलाप भी रखा हुआ था, यानी कि उसने जो है हर किसी के साथ जो है मेल मिलाप वाला व्यक्ति रहा है ये। और बहादुर शाह ने जो है आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह सवाई की भी उपाधि से नवाजा था, और जयसिंह द्वितीय ने जो है दिल्ली में खंगोली वेगशाला जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जंतर मंत्र कहते हैं, बनवाई थी। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि जंतर मंत्र कहां पर है और किसने बनवाया, तो आपके लिए आंसर रहेगा जय सिंह द्वितीय ने। इसके अतिरिक्त मथुरा जयपुर राजस्थान वाराणसी में भी उन्होंने अपनी वेगशालाएं जो हैं वो बनवाई थी। इसी प्रकार से राजपूत राजा सवाई जय सिंह ने जो है खंगोल शास्त्री संबंधी पर्यवेक्षण में जो है सहायता देने के लिए जिच मोहम्मद शाही नामक जो है सारणियों को का सेट तैयार किया, यानी कि इकट्ठा तैयार किया, सेट बनाया, और उसने यूक्लिड की कृति रेखांकित की करके संस्कृत में जो है इसका अनुवाद भी करवाया था। इसके बाद आए थे हमारे शाह दर शाह जो कि 1712 से लेकर 13 तक रहे हैं। शादर शाह भी उत्तराधिकार के लिए उन्होंने भी अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ा है, जो कि अजीम बख्श खान रफी उश खान और जहान शाह की हत्या करके ये शासक बने थे। जहांदर शाह ने जो है सिंहासन प्राप्त करने में शक्तिशाली जुल्फीकार खां की जो है सहायता ली थी। भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले जहांगीर शाह पर
उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का जो है काफी प्रभाव भी रहा है। जहां दर शाह ने जो है आमिर राजा सवाई जय सिंह को जो है मिर्जा की उपाधि से भी नवाजा है और साथ में ही मालवा का सूबेदार भी उन्हें बनाया था। जहां दर शाह ने जो है मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी और इसे गुजरात का सूबेदार बनाया था। और जहां दार शाह को लोग जो है लपट मूर्ख भी कहते थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि लपट मूर्ख के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो जहां दर शाह जो है वो फेमस थे। इसके बाद आता है फर्रुख सियर, जो कि 1713 से लेकर 19 तक रहे हैं। फर्रुख सियर को मोहम्मद या मुगल सिंहासन के सैयद बंधुओं ने जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन खां के सहयोग से जो है ये उन्हें सीट मिली थी या सिंहासन मिला था, ठीक है। और सैयद बंधुओं ने जो है मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को युद्ध में जो है पराजित किया और उसकी पुत्री का जो विवाह है वो फर्रुख सियर से ही करवाया था। फर्रुख सियर ने जो है तुरानी दल के एक अमीर निजाम मुल तथा चिनकिलिच खां को जो है दक्कन के भी सूबेदारी भी प्रदान की थी। इसी प्रकार से फर्रुख सियर ने साहू के साम्राज्य तथा दक्कन के 6 प्रांतों के 4th तथा स्वदेश मुख जो है वो भी कर के रूप में उन्होंने वसूलने के लिए जो है समझौता किया हो। इसी प्रकार से फर्रुख सियर एक दुर्बल और कायर और निंदनीय होने के कारण जो है घृणित कायर कहा भी जाता था इन्हें। और फर्रुख सियर की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने जो है शीघ्र अति शीघ्र जो है कि एक के बाद एक जो है रफी उद्दौला और रफी उज्जात को जो है मुगल बादशाह बनाया गया। और रफी उद्दौला को जो है शाहजहां द्वितीय की भी उपाधि जो है मुगल सिंहासन पर बिठाने वक्त दी गई थी। और फर्रुख सियर ने जो है ब्रिटिश को जो है बंगाल हैदराबाद गुजरात राज्य के क्षेत्रों पर भी कर मुक्त व्यापार की भी अनुमति दी थी। इसके बाद आए हमारे मोहम्मद शाह, जिनका 19 से लेकर 48 तक रहे हैं 1700। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से मोहम्मद शाह की उपाधि से मुगल राज सिंहासन पर बैठे। मोहम्मद शाह को एक सुंदर युवतियों तथा हिजड़ों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण जो है वो रंगीला शाह भी कहा जाता था। और 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में जो है, यानी कि इंपॉर्टेंट रहेगा करनाल का युद्ध कब हुआ 1739 में, प्यारे बच्चों नोट करिएगा आप। और करनाल के युद्ध में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने जो है मोहम्मद शाह को पराजित किया और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रतन जड़ित मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ताउस को अपने साथ ले गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह भी यही था या यही थे, ठीक है, मोहम्मद शाह। तो आपको याद रखना है कि तख्त ताउस और साथ में मयूर सिंहासन किसने लिया था, तो और कोहिनूर हीरा कौन लेके गया था, वो था नेपोलियन ईरान के नेपोलियन नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह जो है उसे लूट कर लेके गया था। तो अंतिम मुगल जो बादशाह था वो कौन था, मोहम्मद शाह, जो कि इस तख्ते ताउस पर जो है वो बैठा था। मोहम्मद शाह के ही समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण भी किया था, ठीक है जी। और मोहम्मद शाह के समय में हैदराबाद बंगाल भरतपुर मथुरा फर्रुखाबाद आदि राज्यों ने जो है स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, ठीक है जी। इसके बाद आए थे अहमद शाह, जो कि 48 से 54 तक के समय में रहे हैं। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने
इतने से इतने तक कुल 5 भारत पर आक्रमण की हैं। अहमद शाह ने कितनी बार किए हैं, अब्दाली ने भारत पर आक्रमण, कुल 5 आक्रमण किए हैं। इसके बीच में अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए भारत के राज्यों को सूबेदार निजीबुदौला को सौंप कर वापस चला गया था, और अहमद शाह हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी। किसकी दी थी? नवाब बहादुर की उपाधि दी। और वजीर इमादुल मुल्क ने जो है मराठों के सहयोग से अहमद शाह को जो है पदस्थ कर दिया, यानी कि विदाउट पोजीशन कर दिया, बिना मतलब सीट के कर दिया। तो अजीदुन दीन को जो है आलमगीर द्वितीय के नाम से जो है फिर बादशाह बनाया गया। ये जितने भी हैं मैंने मुगलों के जो है स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक हैं, जैसे कि अवध के संस्थापक, ठीक है जी, हैदराबाद के, फिर बंगाल के हैं, ये सभी के सभी हमें याद रखने चाहिए। इन संस्थापकों को भी याद रखना चाहिए और साथ साथ में राज्यों को भी दिमाग में रखना चाहिए। इसके बाद आए थे आलमगीर द्वितीय, जो कि 54 से इतने तक रहे थे, और आलमगीर द्वितीय जो है वजीर इलादुल मुल्क का जो है इठ पुतली शासक था, और इदाल मुल्क जो है 1700 इतने में बादशाह की उन्होंने हत्या भी कर दी थी। शाह आलम द्वितीय जो है वो 1806 तक रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट इनके में रहेगा इलाहाबाद की संधि आती है, पानीपत का युद्ध हुआ है इनके समय में, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। तो आलमगीर द्वितीय जो है अली गोहर और शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ जो है मुगल सम्राट बने, और इनके समय में पानीपत का युद्ध हुआ है। याद रखने वाला क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है आपने कि 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था और शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। तो पानीपत का जो है युद्ध किसके काल में हुआ, किसके समय में हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने लर्न रखना है कि 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय में, और इसमें शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम तथा अवध के नवाब जो थे सुजाउल दौला ने जो है बक्सर का युद्ध किया था 1764 में। क्या किया था? 1764 में, जिसमें अंग्रेजों के सेनापति मुनरो को पराजित किया था। किसको हरा दिया था? अंग्रेजों के सेनापति मुनरो को हराया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज पराजित होने के बाद, ठीक है, अंग्रेज हार गए, तो उसके बाद शाह आलम द्वितीय ने जो है 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इलाहाबाद की संधि जो है ये कब हुई थी, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है प्यारे बच्चों, और इनके तहत जो है बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो देनी पड़ी थी, यानी कि उनको जो है डोनेट करनी पड़ी थी ये पूरी की पूरी जगह जो इतनी भी है। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में जो है अंग्रेजों में जो है दिल्ली अधिकार जो है वो कर लिया गया था। तो याद रखने वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया, तो 1803 में किया था, और उस वक्त किसके काल में किया गया था, तो आंसर आएगा शाह आलम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बच्चों नोट कर लेना है। और 1780 में रुहेला सरदार जो थे मुस्लिम कादिर ने जो है सम्राट आलम शाह आलम को अंधा करवा दिया, यानी कि उसकी आंखें निकलवा ली, और 1806 में उसकी हत्या भी करवा दी थी। इसके बाद अकबर द्वितीय आए थे, मैंने पहले भी इनको डिस्कस किया है, 37 तक रहे हैं ये। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो अंग्रेजों के संरक्षण यानी कि अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो किस मुसलमान को जो है वो राजा बनाना चाहती थी, वो था अकबर द्वितीय, जिसको इन्होंने राजा बनाया या जिसका संरक्षण जो है अंग्रेजों का प्राप्त था वो था अकबर द्वितीय। और मुगल सम्राट की जो है सत्ता कमजोर हो जाने के कारण ब्रिटिश जो है वो स्थायी रूप से परमानेंट रूप से जो है वो स्थापित हुए, और शाह को जो है दिल्ली के लाल किले में जो है बंदी की भांति जो है
थे, यानी कि लाल किले के अंदर बंद, मतलब उसको उसको जो कैद की तरह जो है वो रखा हुआ था। और द्वितीय के मृत्यु प्रण के बाद जो है, यानी कि मृत्यु के समय में अंग्रेजों का ये बंदी भी बना रहा है। और अकबर द्वितीय ने जो है पेंशन बंधवाने के लिए जो है राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा किसका नाम, राजा राम मोहन राय को जो है इंग्लैंड भेजा था कि पेंशन लगनी चाहिए। वहीं पर उन्होंने जो है ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में जो है 1830 में जो है इनकी मृत्यु भी हो गई है। और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, टॉप क्वेश्चन है जी, और आंसर होगा अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय की जो मृत्यु है वो 1837 में हो गई। कब हुई थी, 1837 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाद बने थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन बने थे, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1858 तक 37 से लेकर बने हैं। और ये अंतिम मुगल बादशाह भी रहे हैं। कौन रहे हैं, अंतिम मुगल बादशाह रहे हैं। और बहादुर शाह शायरी का जो है बड़ा शौकीन था, इसलिए इनका नाम जो है जफर के नाम से भी इनका खिताब दिया गया है। किस नाम से दिया गया है, जफर के नाम से जो है इनको खिताब दिया गया है, प्यारे बच्चों नोट करना है। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग लेने के कारण जो है अंग्रेजों ने 1858 को इनको गद्दी से भी हटा दिया कि भैया तू साइड हट, तूने जो है भारतीयों का साथ दिया। और इसने इसे जो है रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया। और 1862 में रंगून में यानी कि जेल में, रंगून यानी कि बर्मा का नाम होता था पहले, म्यांमार अब नाम है, तो इसमें इसको जो है कैद किया गया था और वहां पर इसको इसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो ये थी हमारी आज के लिए क्लास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, मुगलों का पतन से जुड़ी हुई। और भी हमारे नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, जो है आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।